नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी ऑनलाइन क्लास में और मैं हूं पीसी पंत। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले हमने उत्तराखंड की क्लासें चलाई थी और अब हम हिंदी की ऑनलाइन क्लासें शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कई छात्र शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक डेमो क्लास आपके सामने रख रहा हूँ। उत्तराखंड में आप सभी लोग जानते हैं सामान्य हिंदी जो है 20 अंकों का पूछा जाता है और उत्तराखंड में UK SSSC जो परीक्षा कराता है उसमें हर एग्ज़ाम में 20 अंक सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसकी तर्ज पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड में हिंदी की, सामान्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासें। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक डेमो क्लास है और इस क्लास को आप अपने स्तर पर शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो क्लासें होंगी दोस्तों वो प्राइवेट होंगी और आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि जो भी लोग क्लास लेना चाहें, जिसको क्लास अच्छी लगे तो क्लास अगर लेना चाहें तो अपनी सदस्यता जो है वह पूर्ण कर लें और हमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 7800200657। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी सदस्यता जो है पूर्ण कर सकते हैं। आपको इसमें फीस सबमिट करनी होगी, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह क्लास एक दिन नहीं, रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, रेगुलर क्लास चलेगी और हिंदी का कोई एक टॉपिक नहीं बल्कि हिंदी के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक यहाँ पर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह एक डेमो क्लास है, इसके बाद कल या परसों से जैसे हमें लगेगा कि छात्र काफ़ी संख्या में हो गए हैं तो हम इसको शुरू करने जाएंगे। ठीक है, आज एक डेमो क्लास के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों जो हिंदी में हमारा पहला चैप्टर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे हिंदी के सिलेबस में दो चैप्टर हैं हिंदी से रिलेटेड। दोस्तों एक है हिंदी भाषा का विकास और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों हिंदी साहित्य रचना का इतिहास यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर में यह वर्णन है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा विकसित हुई, चाहे उसका संवैधानिक रूप है या फिर सरकारों ने हिंदी की भाषा के विकास के लिए क्या किया, या फिर स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन हुए उसमें हिंदी भाषा के बारे में क्या राय थी, या हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा जो पहला ही टॉपिक है वह इस प्रकार से है कि हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास में सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो भाषा हुई वह हुई संस्कृत। संस्कृत के बाद हुआ दोस्तों पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हुआ अवहट्ट और अवहट्ट के बाद होता है हिंदी। यानी सीधे सीधे हमारे समझ में एक चीज़ आती है कि हिंदी भाषा जो है उससे ठीक पहली जो भाषा थी वो अपभ्रंश और अवहट्ट थी, और इन सभी भाषाओं का जो विकास हुआ है वह हुआ है संस्कृत से। तो दोस्तों एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि सही सुमेलित कीजिए, तो वहाँ पर इस तरीके से भी दे देता है संस्कृत, फिर आगे डैश करके पाली, प्राकृत, तो उसमें तीन ऑप्शन वह गलत दे देगा, एक ऑप्शन सही कर देगा। इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों वहाँ पर ध्यान दीजिए, आदि जननी भाषा की बात होगी तो आंसर होगा संस्कृत। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों आंसर होगा अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। दोस्तों अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, अपभ्रंश और अवहट्ट एक ही हैं। कभी कभी दोस्तों एग्ज़ाम में अपभ्रंश न देके अवहट्ट दे देता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन दोनों में से एक ही देगा। माना दोनों दे दिया, अपभ्रंश भी दे दिया अवहट्ट भी दे दिया, तो सही आंसर हमारा जो है अवहट्ट होगा उस दशा में, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो आपको क्लियर पता होना चाहिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और
हिंदी यानी आद्य जननी भाषा कौन सी है, वह है संस्कृत। नीचे देखिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर रखा है एक चीज़ और, मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट या वन लाइनर के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। ऐसा नहीं कि दो चार चटपटे टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएँ, चैप्टर हो गया, यानी चैप्टर में चटपटे टॉपिक आप पढ़ोगे तो बोरिंग भी आप ही को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये क्लासें चलाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों उसके बाद मैंने मेंशन करके संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी भाषा कहा जाता है। दोस्तों जब भी आप वीडियो देखेंगे, आप एक पेन और एक कॉपी चाहे तो उस समय रफ ले सकते हैं, बाद में आप फेयर कर सकते हैं, तो ले करके आप नोट्स बनाएंगे। जो आप सोचेंगे दोस्तों मैं सुन के ऐसे काम चला लूँगा, दोस्तों भले ही सुन के आपके कानों में वो आज आ जाए, दो तीन दिन याद रहे, लेकिन एक समय के बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आदि जननी भाषा किसे कहा जाता है, संस्कृत को, परंतु हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अब दोस्तों यहाँ आप कहोगे अवहट्ट क्यों नहीं लिखा, दोस्तों अवहट्ट अपभ्रंश एक ही है। अच्छा ये अपभ्रंश क्या होता है अभी बताएंगे। दोस्तों भारत की पहली देश भाषा कौन सी थी, दोस्तों भारत की पहली देश भाषा पूछा गया है, यहाँ कोई राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं पूछा है बल्कि देश भाषा पूछा है, तो दोस्तों उसका सही आंसर है पाली। और आपको पता है महात्मा बुद्ध ने भी जो है अपने जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, पहला उपदेश दिया था वह भी पाली भाषा में ही था, लेकिन इन सब की लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही जो है देवनागरी का भी विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ था, इसके पहले कवि स्वयंभू थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे, तो दोस्तों वो थे स्वयंभू। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वाल्मीकि मतलब क्या हुआ कि पहला जिसने लिखा अपभ्रंश, तो दोस्तों अपभ्रंश में लिखने की शुरुआत किसने की थी, स्वयंभू ने की थी। दोस्तों स्वयंभू की एक रचना है, उसका नाम है पदौचर्यु, ठीक है। आगे मैं आपको लिखा भी दूंगा, यहाँ मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, आगे जब क्लास लंबी चलेगी तो वहाँ आपको बता दूंगा, वैसे भी यह एक डेमो क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाषा परिवार की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, इसके बाद हम बात करते हैं भाषा परिवार की। दोस्तों भाषा परिवार की जब हम बात करते हैं तो भारत में चार प्रकार के भाषा परिवार हैं। दोस्तों चार कौन कौन भाषा परिवार हैं, पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविण, तीसरा है आस्ट्रिक, चौथा है चीनी तिब्बती। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये चार कैसे याद होंगे, याद करने हैं कि नहीं करने हैं। दोस्तों हम जो ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं इसीलिए यही विशेषता इस क्लास की है, नहीं तो ये सारी चीज़ें तो बुक में भी आपको अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों बुक में इतना लेंदी दिया होता है कि छात्र वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और फिर बोरिंग हो जाता है, फिर स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर डेली क्लासेस चलेंगी और हम डेली आपको बताएंगे भी। देखिए दोस्तों चार आप देख रहे हैं, भारोपीय, द्रविण, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। दोस्तों आपको इस प्रकार से याद नहीं करना है, आपको कैसे याद करना है बताता हूँ। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कितने भाषा परिवार हैं, तो आंसर होगा 4 यानी 4। अब दोस्तों जो भारोपीय परिवार है ये आपको याद रखना है, भारोपीय परिवार का एक और नाम है वह है इंडो यूरोपियन। वह इसलिए याद रखना है क्योंकि दोस्तों हिंदी जो है वह भारोपीय परिवार की ही भाषा है, और दोस्तों इन सब परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वह भारोपीय परिवार ही है। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि कितने हैं, गिन के बताओ, 1 2 3 4, कोई नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय। भारोपीय की जगह ऑप्शन में इंडो यूरोपियन दे देगा, कन्फ्यूज़ करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। और हिंदी जो है इसी परिवार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा भाषा परिवार करके मैंने हेडिंग डाला है, देखिए दोस्तों वह है भारोपीय परिवार, और हिंदी भी इसी परिवार के तहत आती है। उसके बाद आगे मैंने मेंशन कर रखा है दोस्तों महात्मा बुद्ध के उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में, ठीक है। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे दोस्तों प्राकृत भाषा में। पता होना चाहिए दोस्तों आपको, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म
563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी पहले कौन जन्मे थे, पहले महात्मा बुद्ध जन्मे थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से दो टॉपिक यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संदेश रासक। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, दोस्तों अपभ्रंश काल की यह जो है बड़ी ही प्रसिद्ध रचना थी, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बाकी चीज़ें और आगे हम बताएंगे। संदेश रासक जो है ये पुस्तक जो लिखी थी अब्दुल रहमान ने लिखी थी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। पदावली के लेखक कौन थे, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आप पुराने पेपरों में देख भी सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्टडी फ्राई करके दोस्तों एक गूगल पर सर्च करेंगे आप, तो वहाँ पर उत्तराखंड के आपको सारे पुराने पेपर अवेलेबल रहेंगे। तो पुराने पेपरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन पॉइंटों से और इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप मान के चलिए सबू गौ के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से दो या फिर कभी कभी तीन क्वेश्चन डायरेक्ट लगता है, बिना इस चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए पेपर नहीं बन सकता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, तीन क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता है जो बुक में मिलता भी नहीं, और दो क्वेश्चन बुक से फंस जाते हैं। आपको बेहतर क्या करना चाहिए कि उन दो क्वेश्चनों को सही करो, तीसरे में आप अनुमान भी लगाएंगे तो चलेगा। तो पदावली के लेखक थे दोस्तों विद्यापति, क्यों फेमस है बताऊँगा दोस्तों, इनको कहा जाता है मैथिल कोकिला। अब ये मैथिल कोकिला कहाँ से आ गया दोस्तों, मैथिल शब्द से बना है मैथिली। मैथिली भाषा में विद्यापति ने एक रचना करी जिसका नाम था पदावली। और दोस्तों मैथिली भाषा में लिखने वाले, मैथिली भाषा में लिखने वाले विद्यापति जो थे वो पहले रचनाकार थे, इसलिए उनको कहा जाता है मैथिल कोकिला। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जाके हम मैथिली भाषा का की बात भी करेंगे। आपने संविधान की 8वीं अनुसूची में भी पढ़ा होगा मैथिली, कोंकणी, मणिपुरी, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ब्रजबोली भाषा, ब्रजबोली क्या है, एग्जाम में आ जाएगा ब्रजबोली भाषा जो है किस भाषा का है, किस भाषा की बोली है ब्रजबोली, तो दोस्तों बांग्ला भाषा की ही एक जो है बोली है जिसको कहते हैं ब्रजबोली। दरअसल जो ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों, ब्रज में जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसी को बंगाल में ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ब्रजबोली भाषा किसका है, बांग्ला भाषा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई वह हुई सिंधु शब्द से। ठीक है दोस्तों, सिंधु शब्द से दोस्तों, दरअसल दोस्तों सिंधु से ही बना हिंदू और हिंदू से बना हिंदी। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों वह हुई सिंधु शब्द से, आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। परंतु दोस्तों हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब हम दोस्तों आगे चल के शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जब हम विदेशज पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ विदेशज में हम उर्दू, फारसी, अरबी और इसके बारे में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी देखा गया था कि उर्दू जो है वह किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों उर्दू जो था वो तुर्की भाषा का शब्द था, है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कैंची किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हिंदी, हिंदी जो शब्द है वह मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएँ हैं। कितनी उपभाषाएँ हैं, 5, और जिन्हें 17 बोलियों में बांटा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 उपभाषाओं से लगातार पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। आप चाहे वो 28 अक्टूबर के पेपर की बात करें, चाहे आप वन विभाग के पेपर की बात करें दोस्तों, वन विभाग में पहली पाली और दूसरी पाली में, दोनों में देख लीजिएगा, दोनों में इस टॉपिक से जो मैंने आपके सामने ये रखा है चार्ट जैसा बना करके, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिएगा। और 2 क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर से दोनों पालियों में आया था। तो दोस्तों हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं दोस्तों, वह है 5। अब पहले हम देखते हैं 5 कौन कौन हैं।
दोस्तों पहला तो है वह है पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी। अब उसके बाद दोस्तों पूर्वी के बाद पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो पूर्वी हिंदी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, फिर मैं ऐसे सिक्वेंस ने बता के पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब आपने ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो दोस्तों वह हैं 5, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब दोस्तों आपके माइंड में यह आएगा कि ये 5 अगर हम याद कर भी लें, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, तो उसके बाद ये देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, ये इतनी सारी याद कैसे होंगी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी हर चीज़ रट के याद नहीं होती है। आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रटना है। आपको मैं जो तरीका बताऊंगा, जिस प्रकार से मैंने याद किया है ऐसे ही आपको याद करना है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको, जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है दोस्तों बाई हार्ट आपको ये जो है याद हो जाएगा। कैसे याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं जिनकी अलग अलग 17 बोलियां हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने की बात क्या है, केवल यहां पर आपको एक याद करना है, वो याद करना है पूर्वी हिंदी, बस। उसके आगे आपको अपने आप ही याद होते रहेगा। वो कैसे होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी आप स्वयं देखेंगे। दोस्तों जो पूर्वी हिंदी है, केवल आप अगर इस पूर्वी हिंदी को याद कर लेते हैं बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा। पूर्वी हिंदी याद करना होगा आपको अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, केवल 3 हैं दोस्तों। इन 3 बोलियों को पूर्वी हिंदी के तहत रखा गया है, ठीक है? ओके, तो अगर आपने ये 3 याद कर लिया, आगे आपको बिल्कुल याद हो गया। कैसे याद होगा मैं बताता हूं। देखिए पूर्वी के बाद आप पश्चिमी नहीं याद करोगे बल्कि क्या याद देखोगे? बिहारी हिंदी। अब दोस्तों बिहारी हिंदी में याद करने का कुछ है ही नहीं। दोस्तों भोजपुरी सभी लोग जानते हैं कि बिहारी लोग बोलते हैं, है ना? इतना भोजपुरी संगीत है सब कुछ, और भोजपुरी भाषा को राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त है, आपको पता होना चाहिए, है ना? और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं मगही, मैथिली। मैथिली के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथिली भाषा जो है संविधान में इसको दर्जा भी मिला हुआ है। और अगर मैं बात करूं मैथिली विद्यापति, तो आपको ऐसे भी याद, मगही कैसे याद करोगे दोस्तों? ये क्वेश्चन 28 अक्टूबर के पेपर में आया था, मगही किस भाषा के तहत? बिहारी हिंदी के तहत है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मगही ऐसे याद करोगे, कबीरदास का जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, कबीरदास की मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई थी, मगहर में। दरअसल लोगों की ऐसी भ्रांति थी कि जो मगहर में मृत्यु लेता है, मगहर में मरता है, तो उसको नर्क मिलता है, और जो वाराणसी काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है। और आपको पता है कि जो कबीरदास जी थे वो इन जो है ये जो परंपराएं थी इनके खिलाफ थे, समाज सुधारक थे, तो उन्होंने वो अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए थे। मगहर में ही मगही बोली बोली जाती है। बस याद ये ध्यान रखना है कि मगही किस में है? बिहारी हिंदी, यानी भोजपुरी, मैथिली, मगही, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं राजस्थानी में। आप स्वयं अभी देखेंगे दोस्तों राजस्थानी में क्या है। जयपुरी सबको पता है, जयपुर का है राजस्थान में, मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ी होते हैं, मेवाती और मालवी। दोस्तों मालवी, मेवात, मारवाड़ी, जयपुर सब राजस्थान में है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई भी छात्र इसको आसानी से याद कर लेगा, है ना? मैं नहीं भी बताता आपको तब भी याद हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जयपुरी जो है ढूंढारी, यहाँ पर लिखा हुआ है, जयपुरी को ढूंढारी बोली भी कहा जाता है। दोस्तों ये पूर्वी जयपुरी भी इसको कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में, एक बार मेरे लिए ये आया था कि ढूंढारी बोली जो है वो किस भाषा के तहत आती है। दोस्तों पूर्वी जयपुरी के बारे में, पूर्वी मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख भी सकते हैं पूर्वी जयपुरी, ढूंढारी कहो या ढूंढारी कहो एक ही बात है। तो राजस्थानी हिंदी के तहत इसको रखा गया है। उसके बाद दोस्तों पहाड़ी हिंदी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहाड़ पर आप रहते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, नेपाली भी इसमें आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने क्या देखा कि केवल आपने एक याद किया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बाकी देखिए दोस्तों भोजपुरी ऐसे ही समझ में आ जा रहा है, मैथिली ऐसे ही समझ में आ जा रहा है, जयपुरी, मारवाती, कुमाऊनी और ये हिमाचली आपको ऐसे याद हो जा रहा है। अब आपके ने यदि इतना सब समझ लिया तो बाकी जितनी बोलियां बच गई दोस्तों वो सब आ गई आपकी पश्चिमी हिंदी में। और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है,
यानी अब यहाँ पर आपको ये इतने सारे पश्चिमी हिंदी की याद नहीं भी होती है तो आप एक झलक देख के ही बता दोगे। जैसे आपको एग्जाम में आ गया कि हरियाणवी बोली को किस भाषा के तहत रखा गया है, तो आपको तो याद है पूर्वी केवल, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, वो तो पूर्वी हिंदी के तहत आता है, वो तो हो नहीं सकता है। और भाई राजस्थान में हरियाणा है नहीं, है ना, और बिहार में हरियाणा है नहीं, पहाड़ी हरियाणा है नहीं, तो अपने आप क्या हो गया, पश्चिमी हिंदी। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि कैसे याद करूँगा इतना सारा, तो दोस्तों केवल एक याद करना है, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बाकी आपको सारे याद अपने आप ही हो जाएंगे। दोस्तों इसमें देखिए कौन कौन आते हैं, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी। हरियाणवी को दोस्तों बांगरू भी कहा जाता है। एग्जाम में फंसता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कि बांगरू बोली किस भाषा के तहत है, दोस्तों वो है हरियाणवी के तहत, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में। और कन्नौजी और ब्रजभाषा, ब्रजभाषा को एक नाम मैंने अभी बताया था, क्या कहा जाता है, ब्रजबुली, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। ब्रजबुली किसके तहत है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के तहत ही रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा समझ में आया होगा। क्या करना है, पूर्वी हिंदी आपको याद में रखना है, बाकी अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों नोट्स बनाने हैं अच्छे से, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार देखेंगे, अपनी हैंडराइटिंग से लिखेंगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक डेमो क्लास थी, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके यह क्लास। और हाँ, यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा 7830020657 पर। धन्यवाद। और आप अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, क्लास लेना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो भी कोई भी इस प्रकार का फोर्स नहीं है। आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, आप क्लास अगर लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप बुक को पढ़ सकते हैं, और बुक में भी यही चीज़ें हैं, बस हम तो एक माध्यम हैं, ठीक है। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।